नमस्कार, हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का। मकर राशि जिसके स्वामी ग्रह शनि महाराज होते हैं, न्यायमूर्ति, कर्म फलदाता, हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं और आपके ऊपर शनि की 7.5 लगी हुई है। पर अच्छी बात यह है कि वर्ष 2024 में शनि की 7.5 का पूर्ण रूप से जो प्रभाव है ना, वो इस 2024 में ही निकल जाएगा। ये एक अच्छी बात हो गई कि यानी कि अब 2025 जब आएगा तो पहले 3-4 महीने बस शनि रहेगा, उसके बाद शनि ओवर। तो प्लस पॉइंट है कि मैक्सिमम पार्ट निकल रहा है। और अब ये जाता हुआ शनि आपके लिए बुरा नहीं है, ये जाता हुआ शनि आपके धन धान्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, ये मैं आपसे कहूँगा। पर पारिवारिक कलह को जरूर ये शनि बढ़ाएगा, पैसे की आवक होगी, मान सम्मान अच्छा रहेगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति की। गुरु महाराज पहले 4 महीने तो बड़े अच्छे हैं और उसके बाद थोड़े से वीक हो जाएंगे क्योंकि शत्रु राशि में चले जाएंगे, पर रहेंगे त्रिकोण में, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरे हो जाएंगे, बट इनकी एक दृष्टि खराब रहेगी, यानी कि 1 मई से आप अपने मान सम्मान में कमी महसूस करेंगे। आपको बच्चों से, परिवार से और अपने सर्कल के लोगों के द्वारा तनाव बनेगा 1 मई से लेकर ईयर एंड तक। कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आपको पैरेलल बनी रहेंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। पर देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के लिए ठीक है, देवगुरु बृहस्पति आपके प्रॉफिट के लिए ठीक है। आपको विदेश से संबंधित आप इच्छा रखते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, आपके वीजा आप लगाने वाले हैं, तो आपके लिए अच्छा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं कि ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं राहु की, तो राहु धोखा देने वाले घर में बैठा है, अच्छा नहीं होता ये। इसलिए इस वर्ष 2024 में आपको अपने लोगों से या अनजान लोगों से दूरी बना के रखनी होगी, उनके जल्दी से प्रलोभन में नहीं आना। अगर कोई आपको प्रलोभन देता है, मैं ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, आप जुड़ो हमसे, तो थोड़ा सा जांच पड़ताल करके आगे आपको बढ़ना चाहिए। यदि मैं बात करूं कुछ स्पेसिफिक डेट्स की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए वर्ष 2024 के शुरुआती दौर में 12 फरवरी से लेकर के और 31 मार्च तक का जो समय रहेगा वो बहुत विशेष रहेगा, बहुत 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 विशेष रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप कुछ अच्छा गेन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी सुंदर ग्रह स्थिति बन रही है। इस टाइम पीरियड में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उत्तम लाभ देने वाले राजयोग कहलाए जाते हैं। इसके बाद 24 अप्रैल से लेकर के 19 मई तक ये टाइम पीरियड आपके प्रॉपर्टी, जमीन, ज्यादा सुख साधन से प्राप्ति हेतु बड़ा ही आनंद में रहेगा। और इससे भी ज्यादा अच्छा जो योग रहेगा वो 19 मई से लेकर के 12 जून तक, जब शुक्र ग्रह आपको ग्लैमर इंडस्ट्री से, आर्ट फिल्म लाइन से, हॉस्पिटैलिटी से, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन से, कैरियर के दृष्टिकोण से, अकस्मात धन लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्य सिद्धि के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, मनोरंजन से लाभ के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूं। आपको थोड़ा सा अलर्ट भी करना चाहूंगा और वो अलर्ट करूंगा 24 अगस्त से लेकर के और 18 सितंबर तक। इस टाइम पीरियड में आपका भाग्य के द्वारा आपको कोई बड़ी हानि हो सकती है, इसलिए आप अलर्ट रहना, कोई भी नया काम इस टाइम पीरियड में करने से बचना, जो मैंने आपको भी बताया। अब आपको एक डेट और देना चाहता हूं जिसमें आपके लिए बनेगा एक नव पंचम राजयोग और साथ में बनेगा एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, और समय रहेगा इसका 18 सितंबर दोपहर 2 बजे से लेकर के और 13 अक्टूबर 2024 तक। जी हाँ, ये डबल डबल राजयोग का एडवांटेज मिलेगा, यानी कि जो करना चाहते हो वो करना, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको हताशा बिल्कुल भी हाथ नहीं लगेगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो ये है मकर राशि का फल वर्ष 2024 का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप हमारे को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आती है तो आप और भी लोगों तक शेयर करें ताकि शायद आपके माध्यम से किसी और का भला हो जाए। नमस्कार।